हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रीना किचन रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे रात की बची हुई रोटी का नाश्ता, बहुत ही अलग तरीके से। और इस तरीके से आप बनाएंगे तो बच्चे क्या बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा, सभी उम्र के व्यक्ति इसको खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 रात की बची हुई रोटी है जिनको कि ट्रेंगल शेप में काट लिया है, इस शेप में ट्रेंगल शेप में काट लिया है और यहाँ पर गैस पर रख दी है कढ़ाई। कढ़ाई में करीबन 2 से 3 चम्मच तेल ऐड किया है। तेल को थोड़ा सा होने देते हैं गरम, बहुत ही टेस्टी और फटाफट से बनने वाली नाश्ता है। 1 चम्मच जीरा ऐड किया है, 1 चम्मच राई ऐड करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर प्याज, लहसुन और हरी मिर्ची, ये तीनों मैंने यहाँ पर काट के रखे। 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्ची जिनको कि चॉप कर लिया बारीक बारीक, इसको ऐड कर देंगे यहाँ पर। इसको फ्राई करेंगे जब तक कि हल्का सा गोल्डन सा कलर ना आ जाए। तो फटाफट से जब रात की रोटी बच जाती है तो आप उसको नए तरीके से इस तरीके से बनाएंगे तो थोड़ा सा नया सा लुक भी दिखता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट भी लगती है। तो इनको इस शेप में अलग अलग कर लेंगे और अलग अलग प्याज को करने के साथ ही यहाँ पर अब हम इसमें हमें गोल्डन सा कलर करना है ताकि जो इस रेसिपी में जो प्याज का कलर गोल्डन होगा तभी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर 1/4 चम्मच हल्दी ऐड करेंगे, यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 चम्मच और नमक ऐड करेंगे यहाँ पर 1/2 चम्मच, साथ ही साथ यहाँ पर ऐड कर देंगे रेड चिली करीबन 1 चम्मच। और ऐड करने के साथ ही यहाँ पर इसको मसाले को हमें पकाना है करीबन 1 मिनट के लिए, तो थोड़ा सा क्या कलर बहुत ही अच्छा आएगा इससे। तो यहाँ पर इसको मिलाने के साथ ही यहाँ पर ये देखिए कलर भी मसाले का बहुत ही अच्छा आ गया है। तो यहाँ पर पानी ऐड करेंगे करीबन 1 से 1.5 कप और साथ ही साथ इस पानी को जब तक बॉईल ना हो जाए बॉईल होने देंगे करीबन 1 मिनट तक। तो जैसे ही बॉईल होगा तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए हरा धनिया ऐड किया है, थोड़ा सा फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा इसे। और यहाँ पर जो जैसे ही बबल आ जाएंगे इस मसाले में वैसे ही हम रोटी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए बबल आ चुके हैं तो इसमें रोटी मैं ऐड कर दूंगी इस तरह से। और साथ ही साथ अब रात की बची हुई रोटी है तो अगर ज़्यादा हमें फ्राई करना है तो इसे थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड करेंगे, लेकिन ये रात की बची हुई थोड़ी सी सॉफ्ट हो तो आप इस तरीके से बिल्कुल ऐड करके आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जितनी भी रोटी वो सारे ऐड कर दी है और साथ ही साथ इसी के साथ जो मसाले हैं उसके साथ हमें इनको फ्राई करना है। तो एक बार इसको मिला लेंगे मसाले के साथ और ज़्यादा नहीं पकाना है हमें, नहीं तो ये हलवा हो जाएगी और खाने में फ्लेवर भी अच्छा नहीं लगेगा, लुक भी थोड़ा सा चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने इसको एक बार मिला लिया है और मिलाने के साथ ही इसको अब हमें ढक कर थोड़ा सा रखना है करीबन 1 मिनट के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए मसाले को मिला लिया रोटी के साथ और इसको अब हम कवर करके रखेंगे करीबन 30 सेकंड के लिए। यहाँ पे गैस के फ्लेम को कर देंगे बंद और साथ ही साथ ढक्कन हटा लेंगे। तो ये फाइनली बनकर तैयार है बहुत ही नए लुक में। आपने पहले कभी इस तरीके से बची हुई रोटी का नाश्ता नहीं बनाया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो उससे पहले यहाँ पे गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और इसमें ऐड करेंगे करीबन 1 नींबू। नींबू से थोड़ा सा फ्लेवर और भी अच्छा आता है और इसको मिला लेंगे एक बार। तो फाइनली ये बनकर तैयार है करने के लिए सर्व। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी वीडियो में और आप भी ज़रूर बनाकर देखिए इस तरह से नए लुक में। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी वीडियो में। बाय बाय।